नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज इस विशेष पेशकश में हम बात करेंगे शिक्षा के व्यवसायीकरण की, शिक्षा के बाजारीकरण की। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा ऊंची तालीम में शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा गुर्राएगा जरूर। लेकिन आज हमारे देश में हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि शिक्षा ऊंची तालीम समाज के कुछ खास तबके या अमीर लोगों के लिए ही उपलब्ध है। क्या ये बाकी समाज के आम लोगों के साथ एक तरह का अन्याय नहीं? इस शो में हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे और बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे। जो गेस्ट हैं, मैं पहले आपको उनका तारुफ करा दूं। मेरे सबसे लेफ्ट में बैठे हैं चंद्रकांत पाटकर ट्रस्ट के ट्रस्टी चंद्रशेखर पाटकर जी, और फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन ट्रस्ट के जयंत जैन जी, और उसी ट्रस्ट के सेक्रेटरी शैलेंद्र श्रीपन्नवर। जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये, मान लीजिए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, इसमें इस शहर में रहने वाले किसी एक पेरेंट की महीने की आमदनी 50,000 रुपए है, तो क्या वो अपने एक बच्चे को अच्छी तालीम दे पाएंगे? पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि ये मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकार जो है उन्होंने, पहली बात तो यह है कि जो कानून बनाए हुए बहुत सारे, वो कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कानून के नाम पर कानून बनाए हैं। और फी हाइक जो हो रही है, मैं ये कहूँगा कि पिछले समझो 2002 से 2003 के बाद में कम से कम 600-700% फी हाइक हो रही है, और इसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्या सरकार के जो सरकारी लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, या फिर ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, क्या इनके साथ मिले हुए हैं, कहीं इनकी नेक्सस है क्या, ये साथ में मिल के काम कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्वियस बात है कि जब आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, हज़ारों कंप्लेंट हमने डाली है, हमने नहीं, ये जितने भी पेरेंट्स हैं सभी ने कंप्लेंट डाली है, कोई कंप्लेंट पर सुनवाई होती नहीं है, सुनवाई तो नहीं होती है। बाकी ये है कि 1987 में एक एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट 1987, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें ये कहा गया है कि आप कैपिटेशन फी नहीं ले सकते हैं। अब 87 में आया हुआ एक्ट है, सरकार ने अभी तक उसके रूल्स नहीं बनाए हैं, और सरकार ने अपनी तरफ से, जबकि सबको पता है कि डोनेशन के बिना एडमिशन नहीं हो रहा है, अलग अलग टाइप की हज़ारों टाइप की फ़ी ली जाती है, एडमिशन के नाम पे ली जाती है, डोनेशन के नाम पे ली जाती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, यूनिफॉर्म्स बुक्स वगैरह बेचे जाते हैं, लेट फी ज़्यादा ली जाती है, एक्टिविटी फ़ी है, मिसलेनियस, इतने दुनिया भर की फीस ली जाती है, ये सभी को पता है। और सरकार को हमने कंप्लेंट, कितनी कंप्लेंट हमारे पास से गई है, लोगों ने भी की है, लेकिन आज तक उन्होंने एक्शन क्यों नहीं ली? क्यों 1987 के एक्ट में जो प्रोविज़न है कि अगर कोई एक महीने के अंदर कंप्लेंट करता है कैपिटेशन फ़ी भरने के बाद, तो उसको 3 साल की सज़ा है, मैनेजमेंट को हो या प्रिंसिपल को हो, और कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। तो सरकार अभी तक सोई हुई क्यों है? पिछली सरकार थी वो तो सोई हुई थी, अब नई सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, तो वो भी क्यों सोई हुई है? क्यों आज तक एक एक्शन नहीं लिए? तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सरकार और स्कूल के मैनेजमेंट दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि 60% जो स्कूल्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो इन पॉलिटिशियन के और बिल्डर्स लोगों पे है। तो लोग कहते हैं कि फी हाइक, मेरा ये कहना है कि मैं फी हाइक को एक तरफ रख देता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जो प्रेजेंट फी स्ट्रक्चर जो है वो ही इतना ज्यादा है। एक क्या सरकार ने उसके ऊपर कोई एक सीलिंग लानी चाहिए कि एक सीलिंग लानी चाहिए, सीलिंग कैसे लानी चाहिए? आप फीस नहीं लगा सकते हैं, या इतने ही साल का फीस लेंगे, या और ऐसा कुछ कर, किसके ऊपर नहीं कर सकते? उसी क्योंकि कैपिटेशन फी का जो लॉ है वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से अभी तक हुआ नहीं है, और नया लॉ भी आया फी रेगुलेशन एक्ट, वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसका। तो मेरा ये कहना है कि एक स्कूल जो है मुंबई में, जू में, उसकी फीस एक नर्सरी के बच्चे की, 3 साल के बच्चे की फीस 18 लाख रुपए है। अब मुझे बताइए 18 लाख में वो क्या देते होंगे? ये सरकार प्रॉफिटेयरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार कहा हुआ है कि कैपिटेशन फी ले नहीं सकते हैं, प्रॉफिटेयरिंग आप कर नहीं सकते। तो मुझे ये कहना है कि फी हाइक, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि फी हाइक को आप एक बार भूल जाइए। प्रेजेंट फी स्ट्रक्चर जो है कि एक ही स्कूल है, आप 1 किलोमीटर के दूर पर दूसरे स्कूल है, एक स्कूल की फीस है साल की 20,000 रुपए और दूसरे स्कूल की है 2 लाख रुपए, तो इतना फर्क क्यों है दोनों में? क्यों होता है फर्क? इतना फर्क होने की यही है कि उनके ऊपर एक्शन नहीं होती है, प्रॉफिटेयरिंग हो रही है भरपूर। एक ऐसा किस्सा डोमिली के स्कूल का है, चंद्रकांत पाटकर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं हमारे साथ में चंद्रशेखर पाटकर जी, क्या है पूरी स्टोरी आप मुझे बताइए। जहाँ तक मेरी जानकारी, आप स्कूल को, आपने जो ज़मीन दी है 2 एकड़, वो 1 रुपए रेंट से दी है, लेकिन स्कूल जिस तरह से फीस पेरेंट्स से ले रही है वो कुछ लाख के भी ज़्यादा है। हमने 20-25 साल पहले उनको 1 रुपया भाड़े से, साल का 1 रुपया भाड़े से प्राइम लोकेशन का जगह दिया, और हमारा सोच जो थी उससे अभी स्कूल एकदम अलग चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि डोमिली में एक दो स्कूल जो है ऐसे एसएससी बोर्ड के, उनके फीस से हमारी फी बराबर दुगना है,
लेकिन ये मेरा पर्सनल मत है, मेरा ट्रस्ट के ओपिनियन में नहीं बोल रहा हूँ, चंद्रकांत पाटकर ट्रस्ट का। कितना फीस है स्कूल के, मान लीजिए नर्सरी का अगर है वहाँ पे? नर्सरी का हमारा इधर साल का 22-23 हज़ार रुपया है, और इसके अलावा और 25 हज़ार रुपया या 30 हज़ार रुपया डोनेशन लेते हैं। लेकिन दूसरा जो स्कूल है तो उनका इसके बराबर 50% है, डोमुली का स्कूल 10,000 रुपये लेते हैं। हाँ 12,000 रुपये और डोनेशन भी 12,000 रुपये वो लेते हैं। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं जो बात करना चाहेंगे। फोरम के द्वारा एक PIL फाइल की गई थी ऑनरेबल हाईकोर्ट में, जिसमें ये पूरा बताया एक मामला क्लियर कट हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया है कि कोई भी स्कूल, वो अनएडेड हो, सरकारी हो या कोई भी हो, वो पेरेंट को कोई भी सामान नहीं बेच सकती, यूनिफॉर्म स्टेशनरी वो कुछ भी नहीं बेच सकती, और ये भी नहीं बोल सकती कि आप इस फलाना दुकान से ही जाके लो। तब उसके बेस पे हमने स्कूल से एक बार पूछा कि भाई आप हमको ये फोर्स कर रहे हो इतनी इतनी महंगी महंगी चीजें लेने के लिए, तो ये हम क्यों ले। तो उन्होंने मुझे बकाया 3 पन्नों का एक लेटर भेजा कि आपको ये बुक तो लेनी ही पड़ेगी और यहीं से लेनी पड़ेगी, आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है। वही लेटर मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी भेजा एज ए कंप्लेंट, और हमने जैसे तैसे करके विनोद तावड़े जी से भी मिलने की कोशिश की, और हमारी ये क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक जवाब दिया कि आपको तो सब ICSE और CBSE बोर्ड की स्कूलें बहुत पसंद है ना, तो जाओ अभी, हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा हम स्कूल का NOC कैंसिल कर सकते हैं, और वो भी सारे पेरेंट्स आके हमको बोलेंगे तब। इस मुद्दे पर मैं जानना चाहूंगा शैलेंद्र जी से, अगर किसी स्कूल का NOC कैंसिल होता है, इसका मतलब उस स्कूल के सारे बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे, ये किस तरह का सॉल्यूशन हुआ इस चीज़ पे? लेकिन अगर सरकार ऐसी बोलती है तो उसका उपाय भी उन्हीं को सोचना है कि उन बच्चों को दूसरे स्कूल में भर्ती करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। RTE लॉ क्या कहता है इसके बारे में? RTE लॉ यही कहता है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो है कि गुमराह कर रही है पेरेंट्स को। स्कूल बंद करना एक सोल्यूशन नहीं है। देखिए स्कूल के NOC निकाल देना ये सोल्यूशन नहीं है, इसमें प्रोविजंस काफ़ी है। 1971 का एक ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एक्ट है और 1976 का एक मैनेजमेंट एक्ट है, तो ऐसे दो एक्ट के अंदर वहाँ पे स्कूल में अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो सरकार 3 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, ये स्टेप ले सकती है, लेकिन आज तक क्यों नहीं ली? उनको भी पता है ऐसा कोई अगर स्कूल बंद करने की बात करते हैं, किसी स्कूल पर एडमिनिस्ट्रेटर या बिठाया गया हो, ऐसा कभी हुआ है? अभी तक नहीं किया ऐसे, अभी एक स्कूल में बैठा था एडमिनिस्ट्रेटर, जो सेंट जेवियर्स स्कूल नेरोल की, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया गया था और वो काफ़ी अच्छी तरह से चली, वहाँ पे फीस भी काफ़ी कम थी। तो ऐसे मैं कहता हूँ कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, उनको ये पता है कि जैसे ही हम ये कहेंगे कि स्कूल बंद कर रहे हैं तो सभी पेरेंट्स आ जाएंगे, नहीं स्कूल बंद मत कीजिए, तो दोनों तरफ से गेम खेल रही है। मैं यही कहना चाहता था कि जनरली सरकार का जवाब यही होता है, वो उस प्रॉब्लम को हल कैसे किया जाए ये सोचते नहीं है, वो पेरेंट को इसी बहाने डरा देते हैं कि अगर ऐसी कुछ है तो हम लोग लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, NOC निकाल देंगे, ताकि सब पेरेंट्स को डर लगे कि नहीं हमारे बच्चे का क्या होगा, और वो फिर सरकार को बोल देंगे नहीं वो स्कूल। लेकिन कानून तो ये कहता है कि आप स्कूल कोई भी हो, आप ये उन पे पेरेंट्स पे मैंडेटरी नहीं कर सकते कि आप हमारे तरफ से। इसका GR है, फोरम नहीं PIL फाइल की थी, उसका GR भी है सरकार का कि कोई स्कूल स्टेशनरी बुक्स जो भी सामान हो कंपल्सरी नहीं कर सकते। तो उसमें भी सॉल्यूशन क्या करेंगे? फोरम की तरफ से तो आपने एक PIL दाखिल कर, उसमें भी कुछ हुआ नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए हर स्कूल में, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसके ऊपर नहीं एक्शन ले रही है, तो आपका आगे का क्या प्लान है? देखिए अभी हम विनोद तावड़े जी को मिले थे, मैं 50 लोगों को लेके गया था जो ऑल ओवर महाराष्ट्र से थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सभी की एक ही कंप्लेंट थी कि हर एक स्कूल पे बुक्स यूनिफॉर्म्स कंपलसरी है। बहुत सारे स्कूल से कंपलसरी नहीं किया था, एक पर्टिकुलर शॉप से आपको लेना है। अब स्कूलों ने यह भी किया है कि आजकल अपना लोगो लगाना शुरू कर दिया है कि नोटबुक पे अपना लोगो लगा दिया या फिर यूनिफॉर्म्स पे अपना लोगो लगा दिया, तो वो बुक्स वहीं से लेनी है, या फिर उन्होंने ऐसे किया है कि नॉन स्टैंडर्ड, अभी अगर मार्केट में 11 इंच की बुक मिल रही है तो उन्होंने नोटबुक को 11.5 इंच कर दी, अब वो कहीं नहीं मिलेगी, तो ऐसे करके वो पैसे लूट रहे हैं। हमने ये काफ़ी मुद्दा उठाया, विनोद तावड़े जी को मिले और उन्होंने कहा कि ये पिटीशन जो आपने किसने फाइल की थी, PIL फोरम ने की थी ना, तो अब PIL जब आपने फाइल की थी तो आप कोर्ट में जाइए, हमारे पास क्यों आए, आप कंटेम्प्ट फाइल कीजिए। तो ये मैं मेरा ये कहना है कि तो कंटेम्प्ट फाइल क्यों नहीं किया अब तक सर? नहीं तो अभी कंटेम्प्ट हम फाइल कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं इसमें कि अगर हमको हमें ही सब करना है तो फिर सरकार किस लिए है? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो किस लिए बनी है? वो क्यों रिजाइन करके नहीं जाते वहाँ से? क्यों वो बंद करते? हमारा पैसा क्यों वेस्ट कर रही है सरकार? मैं तो ये कहता हूँ कि उनको इमीडिएट ये मिनिस्ट्री बंद कर देनी चाहिए। अगर सभी डिसीजन अगर कोर्ट ही सरकार चलाने वाला है तो कोर्ट को चला देती है, फिर हम गवर्नमेंट के हम क्यों पैसा देंगे अपना? इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पेरेंट्स से, जो भी अपने कंप्लेंट्स बताएंगे हम उनसे भी बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका सभी का स्वागत है। एक और पैरेंट हमारे साथ इस वक्त बात करने वाले। मेरे जयंत जी से दो सवाल है। अभी हम जो पालक है आम स्कूलों के मुकाबले 4 गुना 5 गुना फीस भर के अपने बच्चे को डालते इंटरनेशनल स्कूल में ताकि उसको अच्छे से अच्छी तालीम मिले, तो ये जो आप बोल रहे थे राइट टू एजुकेशन एक्ट या कैपिटेशन, ये जो गवर्नमेंट के कानून है ये भी इंटरनेशनल स्कूल्स को लागू पड़ते हैं क्या? एक और दूसरा सवाल है कि जो हम बच्चे को नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते हैं तो नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही ये इंटरनेशनल तालीम चालू होती है? एक सवाल मैं भी जानना चाहूँगा, किसी स्कूल के नाम के आगे अगर इंटरनेशनल डाल दिया जाए तो उसकी फीस अचानक से करोड़ में हो जाती है, क्या क्या क्राइटेरिया क्या है? नहीं, ये बात सही है और ये मिसयूज कर रहे हैं। अगर सरकार चेक करती है तो आपको 70% स्कूल ऐसी होगी जिसमें इंटरनेशनल कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंटरनेशनल नाम होता है। और पेरेंट्स को एक ये ज़्यादा करके पेरेंट्स जो है वो मिसयूज इसको करने से रोक नहीं सके हैं क्योंकि उनको इंटरनेशनल चाहिए, नाम चाहिए। ऐसे नहीं कि एसएससी बोर्ड है तो नहीं वहाँ स्कूल अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक इंटरनेशनल स्कूल्स की बात है, आईसीएसई हो या सीबीएसई हो, सरकार तो एनओसी देती है और ये एग्जामिनेशन बोर्ड है और 90% स्कूल या 100% स्कूल से इनको एफिलिएशन जो मिलता है वो सिर्फ 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए मिलता है। अब ये क्लेम करते हैं नर्सरी से, कहते हैं कि हमारे आईसीएसई बोर्ड है या इंटरनेशनल बोर्ड है, तो इंटरनेशनल बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड उनको परमिशन नहीं देती है, सिर्फ 9th और 10th के लिए होता है, लेकिन ये मिसयूज करते हैं। कोर्स में कुछ डिफरेंट होता है कि इंटरनेशनल लगा दिया तो बस फीस बढ़ गई, कोर्स में भी कुछ डिफरेंट होता है? इंटरनेशनल करिकुलम फॉलो करना चाहिए, सिर्फ फॉलो करना चाहिए, इंटरनेशनल नाम नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल करिकुलम कंपलसरी फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल में वो पर्टिकुलर बोर्ड है कि नहीं है। ट्रस्ट के हमारे पास एक साथ है चंद्रशेखर पाटकर जी। चंद्रकांत पाटकर ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। हाँ, तो उस स्कूल रन बाय आईएएस, स्कूल रन बाय आईएएस, तो फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं है स्कूल पे कि बाबा आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपने ये नहीं? हमारा ऐसा कंट्रोल नहीं है, हमारा एग्रीमेंट वो स्टाइल का नहीं है। हमारे दो लोग उसके ऊपर है प्रतिनिधि स्कूल कमेटी के ऊपर, लेकिन कंट्रोल ऐसा हमारा नहीं है। जो फी या डोनेशन है वो सब उनका सेंट्रल बॉडी में दादर को आता है सब। मुझे सरप्राइज हो रहा है ये कि खुद ये मिस्टर पाटकर ये एग्री कर रहे हैं कि डोनेशन लेते हैं, जबकि डोनेशन लेना गुनाह है, ये सभी जगह लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट है, डोनेशन लेना ही नहीं चाहिए। सर कितने साल हो गए अंडर द डेवलपमेंट फंड हर स्टूडेंट से 15,000 कलेक्ट करते हैं हर साल फ्रॉम जूनियर के, मतलब मिनी केजी में अगर बच्चा एडमिट हुआ तो मिनी केजी में आपको 15,000 देना ही है डेवलपमेंट फंड। अगर आप नहीं देते हैं तो हर बार चिट्ठियां भेजते हैं बच्चों के हाथों से, पेरेंट्स को बुला बुला के ह्यूमिलेट करते हैं, आपने पैसे क्यों नहीं भरे अब तक? क्या हो रहा है भारत में? यही हो रहा है, एवरी स्कूल इज कन्वर्टिंग इनटू आईसीएसई सीबीएसई और मन चाहा फीस बढ़ाता है, जो मन में आता है वही फीस बढ़ाता है, किसी के ऊपर रोक नहीं है, किसी के ऊपर टोक नहीं है। सर नहीं, ये एक फैशन हो गई है कि आईसीएसई सीबीएसई या प्राइवेट बोर्ड जो भी हो अगर उन्होंने कन्वर्ट किया तो फीस बढ़ाते हैं। आप कोई भी देखिए कि एसएससी बोर्ड की जो स्कूल है, एक सवाल मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, मान लीजिए अगर एक स्कूल है जिसमें एसएससी बोर्ड है और उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट को चार्ज देना पड़ता है, कोई फीस है, कुछ है? इसके गवर्नमेंट को इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए इंटरनेशनल बोर्ड है तो उनकी जो अफिलिएशन चार्जेज है वो थोड़े से लेकिन रीजनेबल है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा है, लाख रुपए के अंदर ही है। एसएससी का बोर्ड अगर सीबीएसई आईसीएसई में करने के लिए सरकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, फिर इतना पैसा क्यों? छूट मिल रही है ना स्कूल को, सरकार को एनओसी देनी पड़ती है, सिर्फ उनको परमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए कोई खर्चा नहीं है, जीरो अमाउंट है, और फिर भी ये लोग इसके नाम पे आईसीएसई सीबीएसई हो या जो भी प्राइवेट बोर्ड है उसके नाम पे इतना पैसा ले रहे हैं। जैन सर ने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली, जो साहब बैठे हैं ट्रस्टी साहब उनके सामने, कि डोनेशन लेते हैं या स्वीकार करते हैं जबकि डोनेशन लेना तो अलाउड नहीं है। तो मैं जैन सर को और एक अच्छी बात बताता हूँ कि हमारी स्कूल तो पूरे देश में शायद एक अच्छी स्कूल होगी जो 2 बार डोनेशन लेती है, 1 बार नहीं 2 बार, और ये चीज की कंप्लेंट लिखित में मैंने डेप्यूटी डायरेक्टर को दी हुई है, यहाँ तक कि सेक्रेटरी जो आप बोलते ना एजुकेशन में जो मिस्टर नंद कुमार है वहां पे भी भेजी हुई है, लेकिन आज तक 4-5 महीनों से एक लेटर भी उन्होंने देना जरूरी नहीं समझा कि भाई ये 2 बार डोनेशन क्या 5 बार भी मांगेंगे, आपको बोलने का राइट नहीं है, आप देते जाओ। और डेप्यूटी डायरेक्टर और उनके साथ में जो उनके सहायक असिस्टेंट जो होते हैं वो स्कूल को प्रिंसिपल और हमारे पेरेंट्स के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप इन पेरेंट्स को अलाउ कर दीजिए, आप इनको बुक अभी इन्होंने ले ली है तो इनको अलाउ कर दीजिए, मतलब तो फिर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है और जो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ रिक्वेस्ट बकाया, मतलब जैसे कि मैं आपके पास में कोई भीख मांग रहा हूँ ना उस तरीके से, मुझे माफ कीजिएगा ये वर्ड मेरे को यूज करने पड़ते हैं, हाँ रिक्वेस्ट करते हैं। सही बात बोल रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर
स्कूल को रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल को और वो भी पेरेंट्स के सामने, इस बात का ऑब्लिगेशन होगा, नेक्सस रहेगा और कुछ नहीं। ये पूरा नेक्सस है। देखिए कि आप मुझे ये बताइए कि एक स्कूल के अगेंस्ट में अगर कंप्लेन नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका नेक्सस है, ये प्रूव होता है, या पॉलिटिकल उसके ऊपर कुछ भी प्रेशर है, ये भी कौन से स्कूल? अब जरा दोबारा एक बार बताएंगे। हमारी स्कूल का नाम है द स्कॉलर, कोलाबा में है द स्कॉलर हाई स्कूल। और जहां तक जैन सर ने अभी बोला कि कोई एक एक्ट है जिसमें आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बिठा सकते हो, तो हमने हमारे साथ में एक और फोरम के ही एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है मिस्टर छेड़ा, हितेश छेड़ा, उनको थोड़ा नॉलेज ज्यादा था। उन्होंने 50 उनके स्टाफ लोगों के बीच में तावड़े जी से कहा कि क्यों ना अगर ये स्कूल इतनी मनमानी कर रही है तो आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर वहां बिठा दे। तो उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बिठा सकते। अब हमें हम क्या लॉयर बने और बाद में माता पिता बने, पहले सारे कानून सीख के आवे और फिर बाद में आपके साथ में आके बात करें, क्या किया जा सकता है? देखिए एक पिता का दर्द बोल रहा है। देखिए ऐसा है कि मेहनत की कमाई है, बच्चे के पढ़ाई के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी को लूटने देने के लिए तो कोई मेरे ख्याल से यहाँ पे तैयार नहीं। आज भी हम लोग यहाँ से अभी एक बीएमसी ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे एक बच्चे को अपने स्कूल से निकाल दिया गया है विद, आप बोल सकते हैं कि कोई कारण नहीं है उसका। उसमें एजुकेशन चाइल्ड राइट्स कमीशन ने ऑर्डर दे दिया, डिप्टी डायरेक्टर ने ऑर्डर दे दिया, बीएमसी ऑफिस ने ऑर्डर दे दिया कि आपको ये बच्चे को लेना है, लेकिन आज तक लिया नहीं गया है। कितनी मनमानी चल रही है, ये हिंदी विद्या भवन की बात है, एचवीबी करके मरीन लाइंस पे स्कूल है, इतनी मनमानी चल रही है। क्यों निकाला बच्चे को, क्यों निकाला स्कूल, नाम बताएंगे? बोल रहे बच्चे का नाम है मिस्टर मेहता, संभव मेहता, संभव मेहता, उसके पास क्लास में 6 स्टैंडर्ड में पहला साल है अभी। एक और मैं आपको ये इसमें और अच्छी सी बात बताता हूं, एक सेकंड, फोरम की तरफ से क्या उस बच्चे को एडमिशन की जिम्मेदारी आप लेंगे? जरूर है, आप अभी मेरे पास ये इशू आया नहीं है, राइट टू एजुकेशन में क्लियर सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोरम के पास जाइए, अगर एडमिशन नहीं हो जाना है तो इस केस को आवाज इंडिया अपने पैनल पे उठाएगा कि एक बच्चे को एडमिशन के लिए क्या कितनी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगे। सर आप जिम्मेदारी ले, एक बच्चे को भी स्कूल से निकाल नहीं सकते, राइट टू एजुकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, न उसको डिटेन कर सकते हैं, न एक्सपेल कर सकते हैं, या न स्कूल से निकाल सकते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आपका, संवैधानिक वजह क्या बताई बच्चे को निकालने की? वजह निकालने की यही है कि भाई आपने, उन्होंने पुलिस को बोला के बकाया फोर्सफुली उनसे एलसी साइन करा के ले लिया। और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, मैं खुद डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिस में गया था, वो बच्चे की माँ के साथ में गया हूँ, और डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि आप इस मैटर में मत पड़िए, ये मैटर मेरे पास 1.5 साल से है। जब बच्चे की माँ से पूछा जाता है तो वो बोलती है कि हमारा बच्चा तो अभी पहला साल ही है, तो 1.5 साल से वो कैसे वो मैटर उनके पास चला गया। मैं सरकार के ऊपर डेप्यूटी डायरेक्टर संभव मेहता ना, हाँ जी, क्योंकि ये डेप्यूटी डायरेक्टर जो खुद है, डायरेक्टर जो है, क्या नाम है डेप्यूटी डायरेक्टर का, नाम क्या है? मिस्टर चौहान, मिस्टर चौहान वो खुद है, वो एजुकेशन इंस्पेक्टर है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। सरकार के पास डेप्यूटी डायरेक्टर की सीट भरने के लिए कोई इंसान नहीं है, उनका सीनियरिटी के लिस्ट में 67वां नंबर है, 67, जबकि उनको डिप्टी डायरेक्टर एडिशनल, वो छोड़ दीजिए, नहीं उनको एडिशनल चार्ज देके बैठा है। हमारा टारगेट ये कि क्या उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा। सरकार के पास कुछ लोग नहीं है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, लोग नहीं है कि वो एक्शन ले सके, और जब एक्शन लेने की बात आती है तो वो मिली भगत है। अब वहां से करप्शन तो डेफिनेट होता ही होगा, अगर बिना करप्शन अगर काम करना तो एक दिन में काम हो सकता है, एक्शन ले सकते हैं। अब क्यों वहां पे एक्शन नहीं ले रहे मुझे बताइए। अब पेरेंट्स वहां जाते हैं तो उनको 2-2, 3-3 घंटा, मैं भी अगर जाता हूँ फोरम की तरफ से 3 घंटा मुझे बाहर बैठाएंगे, लेकिन एक स्कूल का ट्रस्टी अगर आया तो 2 मिनट में अंदर लेके चाय पिलाएंगे। क्यों स्कूल के तो बकाया कैलेंडर लटके पड़े हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में, बिलाबोंग का नाम का एक स्कूल है उसका तो कैलेंडर लटक रहा है। तो अब स्कूल के ट्रस्ट को डिप्टी डायरेक्टर को ये कैलेंडर वगैरह गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? यानी कि इस पर पूरी चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फीस के मुद्दे पर और स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के मुद्दे पर एक गर्मा गर्म बहस चल रही थी ब्रेक से पहले। एक पेरेंट है अभी भी दोबारा बात करना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं पार्टनर ट्रस्ट से जो भी जगह आपने आईएएस वालों को स्कूल चलाने के लिए दी थी, क्या आपने उन पर कभी कोई एक्शन ली है या उनके साथ कभी कुछ एग्रीमेंट या ऐसा कुछ हुआ है, कुछ नोटिस उन्हें दी गई है ताकि जिस पर्पज से आपने उन्हें जगह दी थी वो पर्पज तो सर्व नहीं हो रहा है, तो सरकार तो काम नहीं कर रही है, तो एज अ डोनर आप उसमें क्या कर सकते? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है सर। अगर आपने एक ट्रस्ट को जमीन दी है कि भाई यहाँ पे ऐसा स्कूल बनाइए जो मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए काम कर, लेकिन वो लगता है कि अब अपर मिडिल क्लास के भी नहीं, सिर्फ अपर क्लास के लिए ही काम कर रहा हूँ। हमारा ट्रस्ट वो जो आईएएस है उनका कोई सीनियर बॉडी नहीं है, हम एक्शन ले सके ऐसा, हमने जो एग्रीमेंट की है वो गुड फेथ में तभी किया, उसमें इतना अभी ये जो अनुभव आगे गए 25 साल में, वो अगर हमको पहला अंदाजा होता था तभी, मैं ट्रस्टी भी नहीं था उधर, तो शायद हम बहुत पॉइंट्स उसमें डाल देते थे। लेकिन मैं आपको एक बोलता हूँ कि अगर पेरेंट्स उनके बारे में मतलब
एडमिशन फी, डोनेशन या जो फी आई के, इसमें अगर हमको लिखित में ऐसा देंगे ज़्यादा, एक 10% भी, तभी भी हम उसमें उतर सकते हैं। मैं पर्सनली उतरूंगा, मैं उतरा हूँ, तभी तभी मैंने एक्शन ली है, लेकिन पेरेंट्स है ना उतना एक इकट्ठा नहीं होते। जैसा मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ाती है, मनमाने तरीके से कुछ भी अलग अलग चार्ज लगाती है, पेरेंट्स सोचते हैं नहीं यार अपने बेटे का फ्यूचर खराब करेंगे, कुछ ये हो जाएगा, क्या डर है, इस डर को कैसे निकालेंगे? नहीं देखिए, जहाँ तक स्कूल फीस बढ़ाती है उसके लिए रेगुलेशन है, सरकार को ये है कि उसमें एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि फीस अगर जब भी बढ़ानी है तो फी रेगुलेशन एक्ट आया हुआ है हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जो फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन के 24 मेंबर्स ने मिलकर हंगर स्ट्राइक की थी 2011 में, और 8 दिन हंगर स्ट्राइक करने के बाद ये एक्ट बना था। इसके पहले तो एक्ट भी नहीं था, तो जो इतनी फी हाइक हो रही थी बिना एक्ट के हो रही थी वो। अब जब एक्ट आया उसमें क्लियर लिखा है कि अगर आपको फी हाइक करनी है तो कम से कम 6 महीने पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना जरूरी है। इस केस तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको बताया गया है कि आपको रिजल्ट आया, दूसरे दिन आपको एक दिन में फीस जमा करनी है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कानून से एकदम गलत है, और यही चीज है। जहाँ तक मेरी कानून की जानकारी, आप जिस तरह चाहे, अगर आप मर्जी है आपकी महीने में फीस भरनी आप भर सकते हैं, क्वार्टरली भरनी आप भर सकते हैं, 6 महीने में भरनी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बताया गया कि रिजल्ट आया आपको दूसरे दिन फीस जमा करनी है। अब ये पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, इसका मिसयूज कर रहे हैं। प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट में क्लियर लिखा है कि आप मंथली भी भर सकते हैं। अगर इनके बच्चों को स्कूल उनके बच्चों को नहीं निकाल सकते, डिस्प्यूटेड चीज है। और सबसे बड़ी उन्होंने जो गलती की है कि दिसंबर में या जनवरी तक उनको फी हाइक अगर होने वाली है तो उनको करनी चाहिए थी, पीटीए की मीटिंग होनी चाहिए थी, पीटीए की जब तक कंसेंट नहीं होती, पीटीए की मीटिंग होती है। वो स्कूल क्या बोलते हैं कि जूनियर और सीनियर प्राइवेट में आता है तो वहाँ पे पीटीए मीटिंग होगा नहीं, पीटीए मेंबर अटेंड नहीं किया गया था। ये गलत बात कर रहे हैं, सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। मैंने बार बार पूछा टीचर को, आप फी रेगुलेशन एक्ट पढ़िए, उसमें प्री प्राइमरी भी इंक्लूडेड है, और जब प्री प्राइमरी इंक्लूडेड है तो प्री प्राइमरी के लिए भी पीटीए की कंसेंट जरूरी है। 15% से ज्यादा फी हाइक नहीं कर सकते हैं, और अगर पिछले साल उन्होंने हाइक किया तो ये साल हाइक नहीं कर सकते, 2 साल के लिए फ्रीज रहती है। अब ये सब चीजें है कि कम से कम 6 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, उसमें ऐसे इसके लिए करना चाहिए कि अगर मान लीजिए 6 महीने पहले इन्फॉर्म किया, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने बच्चे को वहां से शिफ्ट कर सकते हैं, तो दिसंबर जनवरी तक उनको फीस स्ट्रक्चर इनके पेरेंट्स के पास। एक और पेरेंट है, उनसे बात करना चाहेंगे। एडेड होने के बावजूद वो लोग फीस लेते हैं बच्चों से, ये मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, जब तक जहां तक एडेड स्कूल की बात है, अभी रिसेंटली एक सर्कुलर निकला है, मैं से 1 रुपया भी नहीं ले सकते, अभी तो जो पहले 5-6 रुपया भी लेते थे वो भी नहीं ले सकते। फिर से मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, कोई भी पेरेंट्स FIR कोर्ट, मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट में बता देता हूँ कि 1.5 लाख का PIL दाखिल करके कोर्ट में जाने के बजाय 1.5 लाख से कम ही फीस भरनी है ना एक साल में। सरकार में हम तो यही कहते हैं कि सरकार क्या फोरम इनका केस लेगी? एडमिशन फी के नाम पर दोबारा एक प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन में आता है, दोबारा एडमिशन फी ले लेते हैं। मैंने अभी तक सुना है कि IAS पार्टनर में भी उन्होंने 2.5 हजार का करीब लिया है फीस। जी, हमारे स्कूल में भी है। एडमिशन फी डबल हर साल एडमिशन फी रेगुलेशन एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि एडमिशन फी जो है वो सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं, अगर नर्सरी में आपने एडमिशन फी भरी है तो दूसरी बार नहीं ले सकते। तो फिर हमारे स्कूल में भी है ना, सीनियर से फर्स्ट में क्या 3,500 रुपए एडमिशन फीस ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत है, अब पेरेंट्स का अवेयरनेस नहीं है। फोरम उनको एजुकेट करने के लिए कुछ करेगा? फोरम काफी कोशिश कर रहा है, हमने वेबसाइट पर पेरेंट्स से मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, करते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनसे उनको टारगेट किया जाएगा, या तो उनके मार्क के ऊपर असर गिरेगा। ये सिर्फ एक डर है, ये डर है और कुछ नहीं, ये प्रैक्टिकल डर है। मैंने भी कई सारे केसेस देखे हैं, बच्चों को फेल करने से लेकर कई तरह के टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर तक किया जाता है। ये बात सही है, लेकिन ऐसे कोई भी केसेस हो तो सामने लेके आइए, चाइल्ड राइट कमीशन भी है यहाँ पे, क्रिमिनल जस्टिस एक्ट है, कोई पेरेंट्स आगे आने चाहिए। देखिए, आपके बच्चे के साथ जुर्म हो रहा है तो आपको ही आगे आना पड़ेगा। अगर 2-4 केसेस हम फाइल करते हैं, एक FIR फाइल करके देखिए। नहीं, FIR फाइल करने के लिए मैंने तक बहुत लोगों को मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, दे आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड। क्यों है? क्योंकि पुलिस भी उसके साथ, इसका सॉल्यूशन क्या है? पुलिस भी उसके साथ, पुलिस साथ देती, पुलिस साथ नहीं देती, पुलिस भी FIR फाइल कर नहीं लेती कई बार। एक और पेरेंट है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। एक कंप्लेंट लॉन्च की थी, कौन से स्कूल के खिलाफ? IAS किंग जॉर्ज पद्मागढ़ डमडरी स्कूल के खिलाफ, और ट्रस्टी प्रिंसिपल के खिलाफ, ये हाइक का मामला था। तो हमारी 22,000 फी थी हमारे अगले बैच को, तो हमारी 44,250 की थी, मतलब डबल से भी ज्यादा, एकदम 100% से ज्यादा हो गई। तो हमारा कहना वही था कि इन्होंने पेरेंट को गुमराह करके भी इस साल हमारे से ले ली। कुछ चेंज हुआ था स्कूल में, मतलब जैसे कि कन्वर्जन या फिर ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हमको भी वही सेम आज रिजल्ट लगा, और नेक्स्ट डे फी भर रहा है, तो सबको लगा मैं फी भर रहा हूँ, सब भर रहे, हम भी भर रहे, डबल से भी फीस। मतलब स्कूल क्या है कि चाल खेल रही है कि उनको जो फी हाइक होती है कि
फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो फीस लास्ट ईयर थी उसके ऊपर ही हाइक होनी चाहिए। अब उनका ये कहना है कि जूनियर के जी की जो फीस थी उसके ऊपर हम हाइक कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सीनियर के जी की फीस है, उनको जो फीस हाइक है फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो लास्ट ईयर जो बच्चे थे उसके ऊपर 15% है, तो उसके ऊपर ही होनी चाहिए। इस मामले में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बोला कि एक्ट में लिखा हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑब्जर्वर होने चाहिए पीटीए के इलेक्शन के टाइम पे, और लेकिन हाल ही में आपको जानकारी रहेगी कि हाउसिंग सोसाइटीज की जो इलेक्शन है उसके भी बायलॉ चेंज हो गए हैं, और वहाँ पे मैंडेटरी है कि आपकी इलेक्शन हाउसिंग सोसाइटी की जो इलेक्शन होती है उसके लिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपॉइंट करते हैं ऑब्जर्वर्स को। वहाँ कैसे काम होता है, वहाँ पे बाहर के पब्लिक को अपॉइंट किया जाता है, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। पर बहुत सारे स्कूल्स में तो पीटीए भी नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल्स है पीटीए तो मैंडेटरी है, पीटीए तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको पीटीए नहीं है, अगर है तो वो सिलेक्टेड होता है, इलेक्टेड कभी होता नहीं है। बहुत सारे मैक्सिमम मैनिपुलेशन पीटीए में होता है, लोगों से सिग्नेचर लिए जाते हैं कि आपने मीटिंग अटेंड की है तो आपके सिग्नेचर लेंगे, और वही जो सिग्नेचर फी हाइक के लिए यूज करेंगे कि इतने पेरेंट्स से फी हाइक अप्रूव की है, तो ये काफी मैनिपुलेट कर रहे हैं। आवाज इंडिया चैनल के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं जो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अभी मैंडेटरी हो गया है कि पीटीए के बिना पीटीए के कंसेंट के फी नहीं बढ़ा सकते, और जब भी पीटीए की मीटिंग हो तो उसकी वीडियो शूटिंग होनी चाहिए, फी हाइक का प्रपोजल हो तो उसकी वीडियो शूटिंग होनी चाहिए। साथ में आप डिमांड कीजिए उसके पीटीए के जितने भी मेंबर्स हैं कि आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताइए, और रेलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फी हाइक के वो बताइए कि कहीं स्कूल प्रॉफिटरिंग कर रही है कि नहीं है, वो आपको मांगना जरूरी है। पेरेंट्स को सभी को डिमांड करना चाहिए। ऐसे उन्होंने कह दिया कि हमने फी पेपर पे आपको लाके बता दिया कि हम हमारा इनकम एक्सपेंडिचर इतना है, फी बढ़ा रहता है, एग्री मत कीजिए कोई भी। आप डिमांड कीजिए कि ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दीजिए, टीचर्स की सैलरी दीजिए, फिर कंसेंट दीजिए, कोई भी साइन मत कीजिए। क्यों करते फी हाइक के लिए, जाने दीजिए हमको कोर्ट में। लेकिन पेरेंट डरते हैं तो क्या करेंगे, यही बात है ना, यही इसके लिए आज आवाज इंडिया के माध्यम से मैं सबसे डर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पैसा आए, जो बाजारीकरण हुआ है शिक्षक का उसी किसी को डरने की जरूरत नहीं। कॉमेडी पार्ट इज, हमने जब पीएमसी को लेटर दिया कि स्कूल फीस हमसे एक दिन के मोहलत में ले रही है, तो बीएमसी ने जवाब में हेल्प किया, उन्होंने स्कूल को लेटर भेजा कि आप फीस लेना बंद करो, एडमिशन प्रोसेस बंद करो जब तक आपके फीस का सॉल्व नहीं हो जाता सोल्यूशन। उन्होंने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स और सारे जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है मंगाए हैं। कॉमेडी ये है कि स्कूल प्रॉफिट में है फिर 100% फी हाइक किस लिए, 50 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं। आप 50 लाख की बोल रहे, एक एक स्कूल के मेरे पास बैलेंस शीट है 10-10 करोड़ रुपए प्रॉफिट है, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखी है, प्राइवेट लिमिटेड वो लोग जो स्कूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है, और सर ये लोग जो 15,000 लेते हैं, ट्रस्टी होना चाहिए, ये जो 15,000 ले रहे हैं डेवलपमेंट फंड के नीचे, डेवलपमेंट एसएससी बोर्ड वालों का नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ओरायन स्कूल का, आईसीएसई बोर्ड जो उन्होंने चालू किया है ना उसका डेवलपमेंट हो रहा है, नई बिल्डिंग खड़ी हो गई है एसएससी बोर्ड के बिल्डिंग पे, नई बिल्डिंग एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट के फीस से आईसीएसई बोर्ड उन्होंने हमारा बिल्डिंग छीन लिया, उन्होंने हमारा एक विंग छीन लिया, उन्होंने एसएससी बोर्ड के बच्चों से एक विंग छीन लिया, उन्होंने बोला इन बच्चों को एक दूसरे विंग में अकोमोडेट करो, उधर उन्होंने 2 शिफ्ट चालू कर दिए बच्चों के लिए, और यहाँ पे पूरी विंग में उन्होंने एक्सटेंड करके एक मस्त में बिल्डिंग खड़ी कर दी है। लीगल है जी, इलीगल है मुझे तो लगता है, परमिशन है उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अभी अभी शायद मिली है। लेकिन इस मुद्दे पर दोबारा बात करेंगे, इस मुद्दे पर दोबारा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गर्मा गर्म बहस जारी है, अभी भी पेरेंट्स इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं अगर उन्होंने आवाज उठाई तो क्या उनके बच्चे के खिलाफ स्कूल बदले की भावना से कार्रवाई करेगा। एक और पेरेंट है जो बात करना चाहते हैं, सर बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हर कदम पे भ्रष्टाचार और हर कदम पे करप्शन चल रहा है, और ये मिनिस्ट्री जो है स्कूल के ट्रस्टी लोगों से मिली हुई है, और हर जगह पे हर कदम पे पेरेंट्स को अपने को लड़ लड़ के जो है अपना हक लेना पड़ता है, क्या इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं? सर परमानेंट सॉल्यूशन कुछ हो सकता है? परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि पेरेंट्स को जागना पड़ेगा, और जब तक पेरेंट्स जागेंगे नहीं तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन हम फोरम चला रहे हैं, और ये भी प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इसमें हम आए इसी के लिए आए कि आप लोग आगे आए कंप्लेंट करें। जब तक कंप्लेंट नहीं होगी तो जब तक गवर्नमेंट को हम कंपेल नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट हथियार डालनी चाहिए कि हम आप यहाँ पे बम्बई में 30 लाख पेरेंट्स है, और 30 लाख पेरेंट्स स्कूल कितने हैं, 1200 स्कूल है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन लोग डरते हैं।
तो ये डर जो एक अंदर रखा है वो डर निकलना चाहिए लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को जो है वो कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सरकार वगैरह ऐसे फाड़ के फेंक देती है, स्कूल वाले फाड़ के फेंक देते हैं। गवर्नमेंट का मॉरल ड्यूटी नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करके उस हिसाब से मॉरल ड्यूटी नहीं है, आपका संवैधानिक राइट है, राइट टू एजुकेशन है। 2003 में फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट में ये स्कूल बुक्स है, यूनिफॉर्म्स है, ये सब कंपलसरी जो था उसके लिए हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये कंपलसरी आप नहीं कर सकते। ऑर्डर के बाद में दूसरे दिन सरकार ने जीआर बनाई। आज तक 2003 के बाद मुझे कहिए कि कितनी स्कूल्स के ऊपर सरकार ने एक्शन लिए, क्यों नहीं ले रही है एक्शन? सभी कंप्लेन कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, पेपर में इतना आ रहा है कि बुक्स और यूनिफॉर्म सभी जगह कंपलसरी। आजकल तो और आगे बढ़ गए हैं कि लोगो लगाना शुरू कर दिया है, स्कूल बैग भी स्कूल से लेनी पड़ रही है। तो आज ऐसे हो रहा है कि फ्यूचर में सभी चीजें स्कूल से ही लेनी पड़ेगी। तो कमर्शलाइजेशन कर दिया, नाइकी के शूज ही आपको लेने हैं। एक जोक बीच में पढ़ा था मैंने, उस पर लिखा था कि अजी सुनते हो स्कूल से नया फरमान आया है कि अब बच्चे को जो है स्कूल जो आटा देगी ना तो उसी की रोटी खिलानी पड़ेगी। अब बस यही बाकी रहेगी, बाकी है, बस यही होने वाला है, बस यही बाकी है। अब सो रहे हैं सरकार के लोग, सब सो रहे हैं। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, इतनी हमको होप थी कि बहुत कुछ होगा, सरकार नहीं आएगी उनको तो चेंजेस आएंगे, तो पब्लिक ने तो रिटर्न ऑफ किया है। क्योंकि वो हर बार जो भी पेरेंट्स, मैंने तो बहुत सुना है कि पेरेंट्स जब भी जाते हैं कंप्लेंट लेके तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ। अगर कोर्ट में ही जाना है तो फिर हमको एजुकेशन मिनिस्ट्री खाने के लिए, इसीलिए सब पालकों को ही खड़ा होना है और उसके आगे आवाज उठानी है। उसके बिना कुछ नहीं होगा, मतलब लड़े बिना कोई चीज मिलने वाली बिल्कुल नहीं मिलेगी। पोस्टमैन का काम होता है, जो पेरेंट्स के कंप्लेंट्स है वो बस मैनेजमेंट तक पहुंचा दो, हाँ भाई सुन लिया, अभी जाओ तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद जो हमारा फीस हाइक हुआ है ना, पीटीए का कंसेंट है ना, पीटीए के साथ कोई मीटिंग होता है, नथिंग। आज तक हमको पता नहीं है कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में हमको कितना फीस भरना है। जस्ट एक हमारे जो नई प्रिंसिपल थी उनकी ओरिएंटेशन का सेशन था, तभी उन्होंने इतना ही कहा कि हमारी फीस बढ़ी है, जो 25% हाइक कर दी उन्होंने। फिर जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके बाद अभी तक हमको रिजल्ट पता नहीं है। 3 लेटर्स जा चुके हैं, वो कोई तो नया पब्लिकेशन हम पर लादने की कोशिश करते हैं, स्टिल देर इज नो सिंगल रिप्लाई फॉर दिस 3 लेटर्स। और अभी भी उन्होंने यही कहा है कि आपको पहले बोला कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम सर्कुलर लगा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि फीस कितना भरना है, यूनिफॉर्म लेने के लिए कभी आना है, बुक्स कभी देंगे, 10 तारीख को आपको बुक्स मिलेंगे, बुक्स एंड यूनिफॉर्म लेने के लिए। आप लेकिन आज तक कौन सी क्लास में आपका बेटा? मेरा बेटा 2nd स्टैंडर्ड में था, अभी 3rd स्टैंडर्ड में जाएगा। अभय इंटरनेशनल स्कूल। अभय इंटरनेशनल स्कूल, सर दोबारा एक इंटरनेशनल स्कूल का किस्सा है। ये जितने ज्यादा जितनी भी ज्यादा फीस है वो सब इंटरनेशनल स्कूल में ही है। कहाँ पर ये स्कूल? विक्रोली सर, विक्रोली। ये सभी इंटरनेशनल स्कूल है, पूरा मिसयूज कर रहे हैं। और एक स्कूल नहीं, मैं काफी सारे स्कूल्स के नाम दे सकता हूँ कि जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन चालू है। सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है लेकिन टीचर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे है, और इसमें सरकार ने कुछ आज तक एक्शन नहीं लिया। मैं तो ये कहता हूँ कि 2 स्कूल के अगेंस्ट में एक्शन लीजिए, सभी स्कूल्स लाइन पे आ जाएगी, क्योंकि ये धंधा है उनका और कोई भी अपना बिजनेस बंद करना नहीं चाहेगा। अगर आप यूनिफॉर्म का फीस कितना है और स्टेशनरी का फीस, हमको बुक्स की फीस कितनी है, यूनिफॉर्म की फीस कितनी है और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की फीस कितनी है, ये ऑन डेट पता नहीं है हमको। 6 तारीख को जब वो लोग सर्कुलर लगाएंगे तब पता चलेगा। आप फीस भरिए मत, मैं ये कहूंगा कि आप फीस मत भरिए। जो होगा आपको फोरम प्रोटेक्ट करेगा, आपको पूरी हेल्प करेगा, आप फीस मत भरिए। जब तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है आप फीस मत भरिए। आप लड़ना चाहेंगे फोरम से? लड़ ही रहे हैं हम लोग। एक और पेरेंट पीछे हैं वहाँ पे, उनसे बात करना चाहेंगे। सर मेरा एक कंप्लेंट था कि मैंने मालवनी के अंदर जो स्कूल है इसके अंदर जैसे स्टार्ट से मैं देख रहा हूँ ये फीस को लेके, बुक्स को लेके और बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज में इन लोग जो है वो बोलते हैं कंपलसरी बुक्स ले लो। मेरा बच्चा जूनियर केजी में और एक फोर्थ स्टैंडर्ड में है, फोर्थ स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है उसकी बुक्स की वैल्यू इन लोग ने लगाया है 5020 रुपीज और जूनियर केजी की लगाया है 4500। और अभी थोड़ी देर पहले एक भाई यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन के लोग जो है वो इनके साइड से बोलते हैं, तो ये मेरे पास लेटर है, इसके अंदर क्लियर उन्होंने लिखा है, ये लेटर के अंदर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखता है कि हमने स्कूल से पूछा है, वो जब जवाब देंगे तब हम आपको बताएंगे। क्या ऐसा है कि सिर्फ स्कूल के बच्चों को ही छुट्टियां हैं या पूरा डिपार्टमेंट भी छुट्टी पे चला गया? एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने कहा उस 3 रिमाइंडर के बाद। सर ये 3 रिमाइंडर है इधर, इसमें मेरे पास है 3 रिमाइंडर के बाद ये मेरे पास ये लेटर आया है, उसमें लिखा है कि हमने स्कूल को पूछा है, जब वो स्कूल आपको हमको स्कूल का नाम क्या है? होली एंजल हाई स्कूल, मालवनी गेट नंबर 8 से 6 मलाड मार्ग, होली एंजल हाई स्कूल। ये सरकार हमें सिखा रहे हैं कि आप जुर्म करो,
अब जब लोग क्या करेंगे, आखिर अब सरकार नहीं मान रही है, पुलिस नहीं मान रही है, स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं, तो अगर आपको फीस भरनी है इतनी ज्यादा जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो लोग क्या करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। तो सरकार ये चाहती है कि कानून और व्यवस्था वो खराब हो, और यही होने वाला है आखिर में, क्योंकि जब कोई सुनने वाला नहीं है तो कानून व्यवस्था खराब होने वाली है। मैं तावड़े जी को आवाज इंडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, एक्शन लीजिए, नहीं तो एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा और सरकार को काफी इसमें भारी पड़ेगा। ये सर एक मिनट, ये जो भी चीज है ना वो सब इलीगल है। मैं आपसे कहूंगा कि सिर्फ आप आए हैं यहाँ पे और आप लड़ने के लिए तैयार है, मैं कहूंगा आप फीस भरिए और एक महीने के अंदर इसको आप FIR फाइल कीजिए, नहीं होती है तो हम आपके साथ आएंगे, FIR फाइल करके आप अरेस्ट करवाइए उनको, क्योंकि कानून है ऐसा। FIR फाइल करने के लिए क्या है कोई कानूनी सलाह आपका, कोई कानूनी जिसको जानकारी है? नहीं, हम आपके साथ आएंगे, FIR फाइल करवाएंगे, आप सिर्फ एक कोई दो चार पेरेंट्स से फीस भरिए, एक महीने के अंदर आप इन्फॉर्म कीजिए, एक महीने के अंदर कंप्लेंट करनी जरूरी है। और एक, इसके अलावा क्या आप क्या पुलिस में जाना चाहेंगे? ऑफकोर्स जाऊंगा, मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने एक एनसी किया हूं जो 2015 में किया था। इतने सारे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं लेकिन किसी को दिशा नहीं पता है कि क्या होना चाहिए, और जब तक आपको अपने राइट्स पता नहीं है, जब तक आपको कानून पता नहीं है तो आप लड़ेंगे नहीं। जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपके राइट्स क्या है, अब आपको पता नहीं है कि आप लेट फी कितनी भरनी चाहिए, ये लेट फी दिन की 1 रुपया होती है ज्यादा से ज्यादा, स्कूल 500-500 रुपए तक लेट फी ले रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की जीआर है, कब से है, 1999 से जीआर है, लेकिन आज तक एक्शन नहीं ली गई है। तो ये सभी जो एक कहते हैं ना कि सभी को अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, सरकार किसी को नहीं बताएगी, जो साथ में मिले हुए वो क्यों बताएंगे। जब ये भी कंपलसरी होना चाहिए कि आप स्कूल में जब भी जा रहे हैं, अभी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपके प्रोस्पेक्टस हो या वेबसाइट पे सभी फीस स्ट्रक्चर पूरा देना चाहिए, आप पूरे साल में कितनी फीस लेने वाले वो सब देना चाहिए। किस स्कूल ने अपना वेबसाइट बनाया है, हार्डली मुझे लगता है कि 1% स्कूल के वेबसाइट हो गए, तो क्या सरकार क्या कर रही है, क्यों एक्शन नहीं ले रही है उनके ऊपर। और भी मैंने ये बात किया कि आपने एक्टिविटीज चार्जेस जो लिया है, तो हमारे स्कूल में 4 साल से ना स्पोर्ट्स हुआ है और ना कोई दूसरा एक्टिविटीज हुआ है जिसके अलावा ये भी पैसा इन लोग ले रहे हैं, तो ये मेंटेनेंस चार्जेस क्या हम दे सके सर आपको? न तो एक्टिविटीज दे सकते हैं, छोड़ दीजिए क्या देना चाहिए, मेरा सवाल एक्टिविटीज चार्जेस भी नहीं देने चाहिए, मेंटेनेंस भी नहीं देने चाहिए, और जितने भी आपने चार्जेस बोले टर्म फी को छोड़ के आपको कोई भी मैंडेटरी नहीं है। देखिए एक्ट पूरा एकदम सिंपल है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है ट्यूशन फी आपको भरनी है, टर्म फी भरनी है, लाइब्रेरी लेबोरेटरी फी और जिम खाना फी है, ये 5 फी आपको भरनी है। उसमें लेबोरेटरी फी अब कितनी लेनी है, देखिए सरकार इसमें कहाँ गुमराह कर रही है लोगों को, मैं ये सभी पेरेंट्स बैठे उनको बताना चाहूंगा कि लेबोरेटरी फी है। अभी बहुत सारी स्कूल ऐसी है कि छोटे नर्सरी के बच्चों से 5,000 और 10,000 रुपए लेबोरेटरी फी ले रही है, अब मुझे बताइए उनके इन छोटे बच्चों को लेबोरेटरी की क्या जरूरत है। वैसे ही जिमखाना फी ऐसी इसी तरह ये है कि लाइब्रेरी जिमखाना फी ले रहे, लेकिन जिमखाना है उसको नहीं, वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है फिर भी जिमखाना, लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है। अभी सरकार को प्रिस्क्राइब करना चाहिए इसमें कि अगर लेनी है जिमखाना फी तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि लेबोरेटरी फी 9वीं-10वीं के छात्र हैं उनसे लेनी चाहिए, लेकिन एक रिजनेबल होती है। कॉलेज में भी अगर 11वीं-12वीं में है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट लिया जाता है 2,000 रुपये लेबोरेटरी के लिए, कि आपने कोई इक्विपमेंट अगर तोड़ फोड़ दिया तो उसमें से काट देंगे, लेकिन यहाँ तो लेबोरेटरी फीस के नाम पे आपको रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं है, फीस के नाम पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लिया जा रहा है और सरकार इसमें चुप बैठी है। ये जितने भी इश्यूज़ हैं हमने सब तावड़े जी के सामने ये रखे थे, हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि आपको जो भी करना है आप कोर्ट में जाओ। अब ये जो चीज़ें हो रही है कि कोर्ट में जाओ, तो मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके मिली भगत है, सब मिले हुए साथ में और कहीं एक्शन नहीं होने वाला है। रास्ते पे आना पड़ेगा, जिमखाना फी और पता नहीं किस किस तरह की फी। ब्रेक के बाद और कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपका सभी का स्वागत है। एक और पेरेंट हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे होंगे। मैं IAS मॉडर्न इंग्लिश स्कूल दादर वेस्ट में PTA कमेटी मेंबर हूँ, और जब 2016 जनवरी में 3rd PTA मीटिंग हुई हमारी, तब हमें फी का उसमें एजेंडा था, 2016-17 की फी के बारे में लिखा था। तो हमने स्कूल को जब मीटिंग में हमने स्कूल को सभी PTA मेंबर्स ने स्कूल को बताया कि ऑलरेडी आपने 15-16 में फ़ी बढ़ाई है, तो अभी जो GR है GR के हिसाब से आप 16-17 में फ़ी बढ़ा नहीं सकते, ये ऑलरेडी 15% फ़ी आपने बढ़ा दिए। तो हमें स्कूल ने जो 14-15 की जो कमेटी थी उनसे 15-16 के 15% और 16-17 की 15% की प्रेयर सेंक्शन ऑलरेडी ली थी, वो कागज हमें दिखाए। 2 लेटर दिए हमने, एक में लेटर में हमने लिखा था कि हम इसका विरोध करते हैं जो आप बढ़ा रहे हो 16-17 की फी उसका,
डिप्टी डायरेक्टर ने स्कूल को लेटर लिखा कि ये इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए करके, तो स्कूल ने उसको जवाब दिया कि हम लोग, हमारी स्कूल आरटीआई के अंडर आती नहीं है इसलिए, आरटीआई के अंडर आती नहीं है इसलिए बोला क्योंकि हमारी स्कूल टोटली अनएडेड स्कूल है। अनएडेड रही है या फिर एडेड रही है, क्या आरटीआई के अंदर नहीं है? एडेड हो या अनएडेड हो, ये आरटीआई के अंदर आती है क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और जितनी भी चैरिटेबल चैरिटी कर रही है और पब्लिक के लिए काम कर रही है तो ये आरटीआई के अंदर आती है। मुझे लगता है कि इन्होंने कोई एक ऑर्डर इनके पास है जो औरंगाबाद हाईकोर्ट का है, उसने टेम्पोरली जो स्टे दिया था उसको यूज करके कहते हैं कि हम आरटीआई में नहीं आते, लेकिन ये है सरकार इनको आरटीआई में ला सकती है। सेक्शन 4 जो आरटीआई का उसमें मैंडेटरी है कि ये जितनी भी पब्लिक के लिए जो काम कर रही है तो उनको आरटीआई में आना जरूरी है, और अगर वो नहीं है तो आप फ्री रेगुलेशन एक्ट में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्कूल अगर आरटीआई में नहीं आती है तो फ्री रेगुलेशन एक्ट में डिप्टी डायरेक्टर के अंडर आती है, आप डिप्टी डायरेक्टर से इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो देना पड़ेगा। आपका जो मुद्दा है कि दो साल की एक साथ में फीस बढ़ाई वो कर नहीं सकते, टोटली इलीगल है, एट ए टाइम एक ही साल की बढ़ा सकते हैं, वो दो साल तक लेकिन स्कूल को मिनट से नहीं दे रहे हैं। ये काफी जरा सीरियस मामला नहीं लग रहा है सर, क्योंकि पीटीए के दो साल का बढ़ा लिया कोई मिनट्स नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते, मतलब ये इस तरह का एक एक्सट्रोशन टाइप ऑफ एक्सट्रोशन हो गया, जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं और कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज छोटे से एक पान वाला भी रहता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, उसको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, यहाँ पे सब कुछ छोटे होने के बावजूद भी उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाती है? आज एक स्कूटर वाला चला रहा है, हेलमेट नहीं है तो उसके ऊपर एक्शन होती है, वहाँ पे 50-100 रुपए के लिए एक्शन ली जाती है, यहाँ पे हजारों रुपए के घोटाला हो रहा है, करप्शन है, बड़ा स्कैम है। मैं तो ये कहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जहाँ पे अगर खोला जाए तो सबसे बड़ा स्कैम बाहर निकलेगा, अगर सरकार चाह रही है ना तो सबसे बड़ा स्कैम बाहर निकलेगा। अब मैं दिल्ली की एक बात बता दूं, आपको शायद पेरेंट्स को पता नहीं होगा कि वहां पे एक दुग्गल कमेटी अपॉइंट की गई थी और 1200 स्कूल थी, 1200 स्कूल का उनसे ये कहा गया कि आप सर्वे करो कि प्रॉफिटरिंग हो रही है कि नहीं। हाईकोर्ट ने वो कमेटी अपॉइंट की थी कि स्कूल में प्रॉफिटरिंग कितनी है, 10 या 12 स्कूल को छोड़ के सभी स्कूलों में प्रॉफिटरिंग हो रही थी और सभी स्कूलों को हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप 9% इंटरेस्ट के साथ फी रिफंड करो। अभी एक और कमेटी अपॉइंट की थी 569% इंटरेस्ट के साथ फी रिफंड किया उन्होंने और अभी भी वापस हुआ वापस प्रॉफिटरिंग हो रही थी, दूसरी बार कमेटी अपॉइंट की और 561 स्कूल कमेटी के जो भी डिसीजन है क्या सिर्फ दिल्ली में लागू होती है फिर ऑल ओवर? ये दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन है वो दिल्ली में लागू होता है, लेकिन यहाँ पे भी सरकार कर सकती है, जरूरी नहीं कि हमको हर चीज के लिए हाई कोर्ट में जाना है। अब विनोद तावड़े जी जब बोलते हैं कि आप हाई कोर्ट में जाओ तो मैं पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने अगर 5000 रुपए ज्यादा फीस भरी है तो मैं क्या 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करके हाई कोर्ट में जाऊंगा और क्यों जाऊं मैं? आप किस लिए बैठे हैं, मेरा यही पूछना है क्यों है? नहीं, आरटीआई में जब हमने पहली बार इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी तो स्कूल ने तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं, उसके ऊपर एक फर्स्ट अपील हुआ डिप्टी डायरेक्टर के चैनी रोड में, तो डिप्टी डायरेक्टर ने उनको तो सीधा बोल दिया था कि खाली माइनॉरिटी स्कूल जो है वो आरटीआई के अंडर आते नहीं, आप आरटीआई के अंडर आते हो। उसके बाद मेरे कम से कम 6 अपील वहां पे हुए और 6 अपील में डिप्टी डायरेक्टर हर बार उनको यही बोल रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर भी वो एक लेटर देते हैं कि वी आर नॉट कमिंग अंडर द आरटीआई। तो वो डिप्टी डायरेक्टर का ये काम रहता है कि उसके ऊपर एक्शन लेवे, लेटर कितने देगा, कायदेशीर कार्यवाही करने आती है, इतना लिख के क्या फायदा है, कार्यवाही क्या होगी, करो ना कार्यवाही। नहीं, डिप्टी डायरेक्टर करप्शन है ना ये, इसका मतलब कि मिले हुए है, सीधी बात है। डिप्टी डायरेक्टर एक्शन ले नहीं रहे और विनोद तावड़े जी भी एक्शन नहीं ले रहे, वहां से ही लेने नहीं दे रहे, इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर दोनों के पास, ये जो कंप्लेंट स्कूल की थी वो दोनों के पास मैंने दी है और दोनों के यहाँ से एक महीने के ऊपर हो गया है, कुछ भी एक्शन हुई नहीं है। और आरटीआई के खिलाफ आरटीआई डालेंगे तो ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ ये लिया जाता है कि भाई खुलासा करने के लिए हमने स्कूल के पास लेटर भेजा है, यही मुझे जवाब। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए एक तो गांधीवादी हो सकते हैं हम कि हंगर स्ट्राइक करें बैठे या फिर तोड़फोड़ करें, दोनों रास्ते हमारे पास है। सरकार जब कुछ नहीं कर रही है नोटिस भेज के हम जो करना है करो, आप फीस मत भरिए, जो होगा देखा जाएगा, सभी पेरेंट्स एक हो जाइए, कोई भी फीस मत भरिए, जब तक सोल्यूशन आता है हम फीस नहीं भरेंगे। मैं तो ये कहता हूँ भरो ही मत, क्यों भरे पुरानी फीस भी क्यों भरे, जब वो फॉल्ट में है तो उनके ऊपर एक्शन ली जाए, कानून तो यही कहता है कि अभी सर, अभी आप अपने खुद ही कहा कि मिनिस्टर से लेकर पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल के साथ है। हाँ। ऐसे में कितना भी किस तरह से भी अगर लड़ाई कर लें तो जीत तो पहले से तय है कि किसकी होने वाली है, उनकी ऐसी लड़ाई का क्या मतलब जिसमें आपको हार तय है? हार तय है क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं है, पेरेंट्स में यूनिटी नहीं है। तरफ से आप कह रहे हो और एक बार है कि विनोद तावड़े जी कुछ कह रहे हैं शिक्षण मंत्री करके, तो आप यहाँ पे अवेयरनेस कैसे लाना चाहते हैं? हम लोग कुछ बातें ऐसी रहती है जो पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो हालांकि इसके लिए
फोरम क्या कर सकता है या फोरम आपको क्या बताता करना चाहिए? विनोद तावड़े जी, मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट या विनोद तावड़े जी क्या कहते हैं, फोरम क्या कहते हैं? देखिए फोरम जो कह रहा है आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ कह रहा है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं उसके सभी के एविडेंसेस आपको दूंगा। मैं जब कह रहा हूँ कि एक्ट में ये लिखा हुआ है तो मैं प्रूव करता हूँ कि एक्ट में लिखा हुआ है। विनोद तावड़े जी जब बोलते हैं, एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर जो बोलता है, उसको उनको बोलिए कि आप प्रूव कीजिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम अगर लड़ रहे हैं तो उसी बेस पे लड़ रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि पेरेंट्स की यूनिटी चाहिए। हम अवेयरनेस कंपेन चला रहे हैं, हमने शुरू किया है ये 2 महीने के लिए, और जहाँ तक ये आवाज़ चैनल, आवाज़ इंडिया चैनल के माध्यम से भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस कंपेन यहाँ पे लाए और ये सभी जगह पहुँचे। एक एक पेरेंट को पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या है। जब तक आपको पता नहीं है राइट्स क्या है तो आप डरेंगे, आपको ये नहीं पता है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जब जिस दिन पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं आप खुद लड़ेंगे। तो मैं यही सभी से गुजारिश, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे विनती है कि आप आगे आइए, फाइट कीजिए। फोरम आपको हेल्प करेगा, जितने भी लीगल जितनी भी बातें हैं उसमें फोरम हर चीज़ में हेल्प करेगा। आपके लिए केसेस भी अगर फाइल करने हैं कि मान लीजिए पर्टिकुलर स्कूल है, 500,000 2,000 पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो हम हाईकोर्ट तो भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या होता है कि एक हमारे एक ये रहती है कि मजबूरी रहती है, जो फोरम के पास कोई आता है तो वो खुद डरता है कि अरे मेरे बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो फोरम उसके लिए, उसको इनडायरेक्टली पिक्चर में ना ला के उसके लिए खुद क्या करना चाहता है? एक ऑफिशियल कंप्लेंट तो लॉन्च कीजिए। कल हमको भी कोई पूछेंगे कि भाई आपने कौन से बेस पे ये एलिगेशन लगाए, तो हमें एक राइटिंग में कंप्लेंट चाहिए। आप कंप्लेंट लीजिए, हम आपका बिना नाम बताए मतलब उस पेरेंट्स का, उस बच्चे का नाम नहीं आएगा सर। आप कुछ बोले, जो प्राइवेट स्कूल की लॉबी है वो काफी स्ट्रांग है और इसी का फायदा वो लोग लेके हर कोई बात कराते हैं। जैसे अभी हम फोरम ने भी या किसी और भी एनजीओ ने कुछ समझो पेटिशन वगैरह फाइल की है, वो सालों साल कभी फेयरिंग पे नहीं आते। इसी बात पे मैं ये कहना चाहूंगी, कहीं से तो शुरुआत करनी है। सब साथ होके खड़े रहेंगे, सब सही बात है, सही बात है। आप पीछे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए यही, इनके लिए मुझे सिर्फ 2,000 लोगों के दो सब बना दो। फोरम थोड़ा सा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ की फोरम 23 साल से फाइट कर रहा है इसमें। दूसरी बात ऐसा है, पेरेंट्स की, पेरेंट्स को क्या लगता है मैं आज कुछ लड़ूंगा कल उसका रिजल्ट आना चाहिए? वैसे नहीं होता। अगर आपको लड़ना है, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना है, आपके इसमें पेशेंस होना जरूरी है। यहाँ पे फोरम के साथ भी जितने भी जुड़े हुए हैं सब लोगों ने अपनी अपनी चीज के लिए लड़े हैं। कहीं कोई 1 साल के लिए लड़ा है, कोई 2 साल के लिए लड़ा है, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ आवाज उठाई तो कल उसका हल निकलना चाहिए। और कुछ पेरेंट्स के साथ बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और पेरेंट है, वो भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जी नॉर्मली ये सब फी हाइक वगैरह का तो एक इशू है ही, लेकिन मेरे एरिया में मैंने देखा है कि मेरा लड़का सीनियर के जी से फर्स्ट में आया है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के उसके लिए एक फ़ी स्ट्रक्चर है और नया एडमिशन जो होता है उसको एक फ़ी स्ट्रक्चर है। अभी मेरे लड़के को 34,000 ईयरली फीस है। वही क्लास में नॉन यूनिफॉर्मिटी यानी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वही क्लास में नया एडमिशन लेता है तो उसको 55,000 फीस लगता है। यूनिफॉर्मिटी जो बोलते हैं तो यूनिफॉर्मिटी एक क्लास में अगर लड़का पढ़ता है सेम ड्रेस पहनता है सेम बैग पहन लेता है और सेम टीचर पढ़ाती है तो फीस नॉन यूनिफॉर्म है। ये मुद्दे पे हमने ये डिस्कशन विनोद तावड़े जी से किया था। एक स्कूल है JBCN स्कूल, उसके में ऐसा हुआ था। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने क्या कहा बताया कि आप जब भी प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं, फ्लैट जब भी परचेस करते हैं तो जिस समय कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो उस समय एक रेट रहता है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए दूसरा रेट रहता है। ये उनका लेकिन सर ये कोई कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग थोड़ी ना। यही कहता हूँ कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं, ये कोई जवाब नहीं हो सकता। जब अपने मिनिस्टर ऐसा जवाब देते हैं तो आप सोचिए कि वो क्या एक्शन लेंगे। और ये एक स्कूल में नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में शुरू होती है। नॉर्मली क्या है, पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आजकल बोलते हैं नो डोनेशन करके, और डोनेशन का पैसा वो इस तरह से लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स सीधे समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्कूल के स्टूडेंट की फी होगी 30,000 रुपए, वही फोर्थ स्टैंडर्ड की होगी 15,000 रुपए। ये पूरा नया ट्रेंड शुरू हुआ है। और आजकल तो साल की फीस एक साथ में भरो तो एक महीने का डिस्काउंट भी देना शुरू कर दिया, स्कूल वाले लोन भी देना शुरू कर दिया, तो सब जगह उनकी ये है कि प्रॉफिट होनी चाहिए। लोन भी दे रहे हैं स्कूल, लोन भी दे रहे हैं, ऐसे भी हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लोन दे रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ लो ना, पता चला 20% नहीं 50% 100% भी ले रहे हो। अगर फीस की मनमानी उनको, मतलब इन शॉर्ट इनको ये पता चल गया है कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो लोन भी हम ही दो, मतलब इतना पैसा इन लोगों के पास है, इनके पास जरूरत है और पेरेंट्स को जरूरत है तो माफिया बन गए स्कूल वाले। माफिया तो है ही, हम तो एजुकेशन माफिया इनको बोलते हैं। और ये कहते हैं कि मीन्स की
कैसे लूटना है, बस उनका एक ही रहता है कि हमको पेरेंट्स को कैसे लूटना है, एक्सप्लॉइट कैसे करना है। एक ब्रांड इमेज हो गई, पर्टिकुलर स्कूल है तो वही स्कूल में लोग जाते हैं बच्चे, पर्टिकुलर कॉलेज है तो उसी का डिमांड है, आसपास में रहेगी तो उसमें कोई नहीं जाएगा। लेकिन कहीं 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 हमारी भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है कि एक ही स्कूल के पीछे क्यों लगे, सभी स्कूल में एजुकेशन सेम है। डकैत जब घर पे आते हैं तो थोड़ा सा मार पिटाई वगैरह सब करके सब लूट के लेके जाते हैं, यहाँ तो मतलब एसी में बिठा के आपको लूटा जा रहा है, कुछ अलग फर्क नहीं नजर आ रहा, मोस्टली ब्लैकमेल करके लूटा। अगर आपके पास पैसे नहीं है लूटने के लिए तो आपको लोन भी दिया जा रहा है। इन्होंने बोला ना पेरेंट्स है, सब पेरेंट्स अभी सब्जी खरीदने जाते हैं, वो आलू वाले से 2 रुपए लेके झगड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ पे लाखों रुपए ऐसे ही दे देंगे। एक और पेरेंट है, बात करना चाह रहा है। बच्चा स्कूल में गया भी नहीं है, अभी केजी में जाना है उसको, उसका इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, ये लीगल है क्या? आप देखिए बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है, एक मिनट जरा मैं सवाल पूछ, क्या पूछा बच्चे को इंटरव्यू में? वही मैं पूछती हूँ, और उनको बताया केजी के लिए, केजी के लिए क्या सवाल पूछा, कुछ याद है आपको? उनका इंटरव्यू लिया जाता है बच्चों का, और अंदर से फिर इंटरव्यू के लिए बच्चा जाता है तो पेरेंट्स को वो टेंशन रहता है कि मेरा बच्चा कैसा जवाब देगा, तो घर पे सब ट्रेनिंग चालू हो जाती है उसको, सब एप और एप्पल और वो सब सिखाया जाता है, ये पेरेंट्स क्यों टेंशन ले? अभी हम लोग स्कूल में भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, पहले से स्टार्टिंग से पेरेंट्स को ये टेंशन, मतलब जैसा है कि लाखों का डोनेशन भी दो, एडमिशन फीस भी लो, और आप अपने बच्चे को घर से पढ़ा के भी भेजिए। मैंने सुना है कि साउथ बॉम्बे में ये इंटरव्यूज के प्रिपेयर करने के लिए भी कुछ क्लासेस है, इसको ये इशू थोड़ा देखिए, शेम, शेम, शेमफुल थिंग। शेम तो इतना है कि इसमें आप बच्चा पैदा होने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 2 साल पहले, या बच्चा पैदा होने वाला है या पैदा हुआ है तो आपको जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, और 2-3 साल के बाद आपको लेटर आएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2,000 रुपया भरना पड़ता है, 3 साल के बाद आपको लेटर आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसमें पास होगा तो ही बच्चे को एडमिशन मिलेगा। और अंदर ये जो चीज़ पेरेंट्स को पूछे जाते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपका जो कहाँ रहते हैं आप, एरिया कौन सा है, कितने बेडरूम का आपका फ्लैट है, आप फॉरन ट्रिप आपने की है कि नहीं है, आपका पैन नंबर क्या है, आपकी इनकम कितनी है, तो ये अल्टीमेटली उनका ये जानना है कि इनकी इनकम कितनी है, कितना लूटा खसोड़ा जा सकता है। मान लिया कि मैंने फीस बढ़ा दी तो ये सभ्य शब्दों में नहीं कह सकता, नहीं, नहीं, ये कह सकता हूँ कितना लूट सकते हैं, लूट सकते हैं बस, मतलब इनकी अगर सैलरी 75,000 है, अच्छा तो एक काम करो इनको 75,000 का ही, और जो पैसा दे सकते हैं, जो पेरेंट्स ऐसे कि अफोर्ड कर सकते हैं उनको ही एडमिशन मिलता है। गरीब बच्चों को जो है बाहर से ही निकाल देंगे, आप देखिए बाहर से ही देखेंगे, एडमिशन फॉर्म मांगेंगे तो बाहर से ही बोल देंगे नहीं है, यहाँ से एडमिशन पूरा हो गया है, तो ये एक एक इनकम का हम तो पीआईएल भी फाइल। एक और पेरेंट्स उनसे बात करते हैं। पोदार स्कूल सैंटा क्रूज, वहाँ पे एसएससी है, आईसीएसई भी है, और एसएससी उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए, इसके लिए एसएससी कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्डिंग उनकी डिमोलिश की गई है, एसएससी की बिल्डिंग, दैट्स इट, बाकी कोई बिल्डिंग डिमोलिश नहीं की है, कंस्ट्रक्शन अच्छा था जस्ट फॉर रीडेवलपमेंट, और वो एसएससी के स्टूडेंट्स को उन्होंने मूव किया है सैंटा क्रूज जू गार्डन के पीछे, और जो मूव किया गया उनको वो सब कंटेनर्स है, कंटेनर्स में पढ़ाया जा रहा है, एग्जैक्ट पता नहीं है, उधर इंटरनेशनल स्कूल, यस, इज इट दैट अ टॉर्चर? टॉर्चर, पहली बात तो मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा कि स्कूल अगर शिफ्ट भी करनी है तो परमिशन लेना जरूरी है, डिमोलिश जो की है वो कर नहीं सकते हैं, पेरेंट्स ने अगर ऑब्जेक्शन लिया होता, आपने देखा होगा न्यू इरा स्कूल भी ऐसे ही करना चाहते थे, उनका भी नहीं हुआ, और भी सबब्स में है 2-3 स्कूल है जो डिमोलिश करके नई स्कूल बनाना चाहते थे, उनको भी परमिशन नहीं मिला, पहली तो वहाँ पर गलती हुई है। और जहाँ तक ये जो हो रहा है कि कंटेनर में वगैरह है, तो प्रॉपर स्कूल होनी चाहिए, और स्कूल का जो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे होना चाहिए उसके नॉर्म्स है उस हिसाब से होने चाहिए, नहीं है तो कंप्लेन करनी चाहिए, और हमारे पास भी कंप्लेन कर सकते हैं, मैटर को आगे लेके जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेते हैं, हमारे पास एक लास्ट पेरेंट है। सर से मेरा एक सवाल है, अगर हमको यही प्रॉब्लम्स है हमेशा के लिए तो स्कूल की जरूरत ही क्या है, क्यों हमारे बच्चों को स्कूल में हम भेज रहे हैं? स्कूल की जरूरत है, आप सिर्फ पूछिए कि सरकार क्या कर रही है, बिकॉज़ सरकार ऑब्वियसली सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, आपका संवैधानिक राइट है कि नहीं है? आप एक अच्छे नागरिक होने के कारण आप एक इंस्टीट्यूशन तैयार कर किया है, 23-25 साल से आप लड़ रहे हैं, हर कोई नहीं लड़ रहा है, राइट, और आप कितना काम करेंगे, वो भी आपकी कोई लिमिटेशन है, राइट, और सिर्फ हम इसलिए भेजा कि उनको कोई किससे सुना है कि हमारे टीचर्स ऐसी थी, हमारी टीचर अच्छी थी बुरी थी, हमारे स्कूल में दोस्त ऐसे थे, ये दोस्त ऐसे थे, यही किससे सुना के लिए सिर्फ हमें स्कूल में भेजना बच्चों को? एजुकेशन तो हमें कहीं से भी मिल सकता है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पेशेंस है, आप होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं, आप होम स्कूल, आप राइट टू एजुकेशन है सिर्फ 25% लोगों को दिया हुआ है, मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ 25% ही क्यों, बाकी कहाँ जाएंगे बच्चे,
आप बोलते हैं एससी एससी के बच्चे हैं उनको वो पढ़ेंगे, या फिर जो इकोनॉमिकली जो वीकर है वो पढ़ेंगे, तो दूसरे जो बच्चे वो कहाँ जाएंगे, उनको एजुकेशन नहीं देना है। तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हर सरकार, पहले वाली सरकार है, अभी वाली सरकार है, जो भी सरकार है वो नेग्लेक्ट करती है। सबसे जो कहते हैं ना कि नेग्लेक्टेड सेक्टर है वो एजुकेशन सेक्टर है। अपनी जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाता है। 3% में भी ऐसा है कि 1% ही होता है, 2% तो करप्शन में जाता है। अभी अभी हमने 75 करोड़ का एक घोटाला निकाला सर्व शिक्षा अभियान में। तो एजुकेशन के पीछे सरकार खर्चा कर ही कर रही है। तो हमारी जिम्मेदारी है, एक पढ़े लिखे लोग हैं सर, हम ये भारत के इतने जो 125 करोड़ की जनता है उनकी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को कंपेल करें। हम हर चीज़ के लिए फाइट करते हैं, लेकिन भाव बढ़ गया, शक्कर की रेट बढ़ गया, इसके रेट बढ़ गए, कांदे के रेट बढ़, अरे वो जब करते हैं, एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए किसी ने आज तक आवाज़ उठाई है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? आपकी ज़रूरत सबसे बड़ी है कि आपके बच्चे पढ़ने चाहिए, और जब बच्चे पढ़ने, बच्चे को ही आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फाइट नहीं कर रहे तो क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ कि कुल मिलाकर जो है वो पेरेंट्स को ही आगे आना पड़ेगा, पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। वही आज हमने जो स्पेशल शो किया था उसमें हमारा विषय था कि जो शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है उसे कैसे रोका जाए। एक शिक्षा का माफिया आपको लूट रहा है, खसूट रहा है। सरकार के भरोसे मत रहिए, आपको अपने बेटे के लिए, आपको अपने बच्चे के लिए खुद ही आके आके लड़ना होगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।